हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ठाकुर फिटनेस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करने वाला हूँ जो मैंने एससीजी के बारे में आपको बात बताई थी। तो पहले मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा कि डोजिंग कैसे करते हैं उसकी, और उसके पहले मैंने जो बातें आपको बताई वो सब आप उस वीडियो में देख सकते हो जाके। नेचुरल लोगों के लिए एससीजी है या नहीं इस बारे में बात करूँगा थोड़ी इस बार, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं डोजिंग की। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 2000 आयु है तो कितना लेना है, यदि उनकी जो बॉटल है वो 1 ml में 2000 आयु एससीजी है तो कितना लेना है, 5000 आयु है तो कितना लेना है। एक 10000 आयु की भी आती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या लेना पसंद करोगे, आपके पास क्या है। तो देखिए मेरे पास ये है और देख सकते हो आप इसको, ये एक इंसुलिन सिरिंज है, ठीक है। आई होप दिख रही होगी आपको, इसमें मार्क्स बने हैं, ठीक है। तो इसमें 40 तक मार्क्स बने हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी इंसुलिन सिरिंज है उसमें कितने तक मार्क्स बने। तो ये छोटी सिरिंज होती है और बहुत ही सफाई से इसको यूज़ किया जाता है। आप अपने हाथ धो लोगे और उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको लगा के नहीं दिखाने वाला, मैं बता रहा हूँ कि कैसे काम करती है। तो ये 40 तक इसमें है, इसकी ये जो ये देख रहे हो आप बहुत ही छोटी सी होती है, जो इसकी पिन है ये बहुत ही छोटी सी होती है। और सिर्फ ऐसे मसल्स में ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे फैट्स को पिंच करके, अपने पेट की स्किन को पिंच करके, इस तरीके से आपने अपने पेट के फैट को पकड़ लेना है और इसको आप ऐसे सीधा अपना लगा सकते हो। एक बार में एक ही यूज़ होती है, उसके बाद इसको फेंकना होता है आपको। तो इसमें 40 तक मार्क्स बने, जैसे मैंने आपको दिखाया इसमें 40 तक मार्क्स बने। तो मार्क्स के बाद इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट बने। देखिए 0 to 5 यदि आप देखोगे तो इसमें 5 मार्क बने 0 to 5 के। ये जो आप देख सकते हो अभी मैंने 5 तक ले रखा है इसको, तो यहाँ 0 to 5 तक जो मार्क्स बने हैं, ठीक है, इसमें एक एक पॉइंट का भी बड़ा वैल्यू है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होगा। यदि 5000 आयु की आपकी बॉटल है, 5000 आयु पर ml, यानी 1 ml की, जो 1 ml की क्वांटिटी होगी ये पूरी 1 ml की, यदि आप पूरा भर दो इसको तो इसमें 1 ml आता है। तो यदि वो 5000 आयु की है और ये आपके पास 40 वाला मार्क्स वाली है, इसमें 100 भी आती है, 40 मार्क्स वाला है, तो आप कैसे यूज़ करोगे इसको, ठीक है। उसी में बात करो, आप पहले क्या करो, 40 से डिवाइड करो 5000 को। तो 40 से आपको 5000 डिवाइड करोगे, आपको 1 जो पॉइंट है वो उसके इक्वल में 20 आयु निकल के आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि यदि आप यूज़ कर रहे हो, आपने 2-3 हफ्ते लॉन्ग स्ट्रेस को छोड़ रखा है, अब आपका नंबर यूज़ करने का, तो आप 500 से लेकर 1000 आयु तक यूज़ कर सकते हो पहले बार में। और वो भी आपको ज़्यादा दिन यूज़ नहीं करना है, कैसे ये करना है ये मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया, उसको ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। यदि आपने उसको नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। नहीं तो आप इससे जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो पर जाओगे यदि वीडियोज़ में, तो आपको मिल जाएगी वो वीडियोज़, ठीक है। तो इसमें एक आयु यानी एक जो छोटा सा पॉइंट है मैं आपको दिखाऊँ, शायद आप देख ही ना पाओ, ठीक है, ये 0 है, ठीक है। इससे बस मैंने एक खींचा, बस एक, इसे आपको दिख भी ना रहा हो, ठीक है। इसमें है 20, तो इस तरीके से यदि मैंने इसको 5 खींचा तो ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो आपको कितना लेना है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। आपने क्या किया, 40 से इसको डिवाइड किया 5000 को, तो आपको निकल के आएगा कि आपको कितना लेना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। तो यदि 2000 का आपका है, अब जैसे कि 2000 का है तो आपने 40 से इसको डिवाइड किया, तो देखिए 0 से 0 गया, 200/4, और फिर उसको आपने डिवाइड करना है तो कितना निकल के आएगा, 50, यानी आपके जो एक मार्क है उसमें 50 है। तो आप जब 5 मार्क तक लोगे तो उसमें 250 होगा, ठीक है। अब आपको इसको लेना है कितना, मान लीजिए 500, तो आप उसको 10 मार्क तक ले लो, 500 हो गया, ठीक। इस तरीके से आप कोई भी चीज़ हो आप उसको डिवाइड कर लो, आपको पता चल जाएगा, चाहे 5000 हो चाहे 10000 हो, आपका जो भी सिरिंज का ये जो गॉज है इसके जितने भी यूनिट हैं उनको डिवाइड करो बस। आप एक बार आप ऐसा कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके एक यूनिट में उसके कितने आयु आने, फिर आपने 1000 आयु कैलकुलेट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे कि आपके 100 की है ये, ठीक है, आप इसमें 100 मार्क्स बने होते और आपको 5000 आयु वाला जो सीसी है आपकी वो होती, तो आप कैसे लेते इसको, आप सिंपल क्या करते, 100 से डिवाइड करते 5000 को, ठीक है। तो 1 पॉइंट में 50 निकल के आता, तो इसका मतलब ये होता कि आपको यदि 500 लेना है तो आप 10 पॉइंट तक जाओ, ठीक है, 500 ले लो, और फिर ये 3 दिन बाद दोबारा लेनी होती है।
तो ये है एससीजी के यूज़ करने का तरीका जो मैंने आपको समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ कि जो कुछ लोग ये बात करते हैं कि क्या कुछ एससीजी साइकिल के दौरान भी लेनी चाहिए, अभी इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखो क्या होता है, मोस्टली लोग रिकमेंड करते हैं कि आपके जो टेस्टिकल साइज है वो चूँकि साइकिल में पूरी तरीके से श्रिंक हो जाता है, तो वो श्रिंक ना हो इसलिए वो ठीक दिखे, ऐसा ना लगे कि आप साइकिल पे हो, ठीक है, वो कुछ अननेचुरल ना दिखे, वो नेचुरल ही दिखे। इसके लिए वो 250 IU यानी एक बहुत ही छोटी डोज हर तीसरे दिन में लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन आपका चलता रहे। लेकिन ये लेना बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत। पहली बात तो ये कि आपकी जो ग्लैंड है, जब आपके पास क्या है इनफ टेस्टोस्टेरोन है तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल भेजा कि अब आपको टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस करना है, एक सिंथेटिक सिग्नल आपने एससीजी के द्वारा भेजा कि अब आपको टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना है, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव सिग्नल हो गया। ठीक है, एक कह रहा है कि आपको नहीं करना, एक कह रहा है आपको करना है, अपनी बॉडी को कन्फ्यूज कर रहे लगातार। दूसरी बात ये, आप इस चीज़ को ज़्यादा दिन तक यूज़ करते हो तो आपकी जो LH है, जो LH सेल्स हैं, वो डिसेंसिटाइज हो जाती हैं, फिर वो चीज़ सही नहीं रहती और इसलिए भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, एक तरीके से ये बर्बादी है आपके एससीजी की। बाकी कुछ लोग करते हैं जो वो करते ही रहेंगे, उनको कोई आप रोक नहीं सकते हो, वो जिनका करना है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई स्पेशल फ़ायदा। कुछ लोग कहते हैं इससे जब आप साइकिल छोड़ते हो तो आप जल्दी रिकवरी कर लेते हो, ऐसा कुछ नहीं। वो जो LS था उससे जो आपकी डिजिटल साइज था वो मेंटेन भी रह गया, तो साइज से कुछ नहीं होता, आपके पिट्यूटरी को सिग्नल वापस भेजने के लिए अवेल होना पड़ेगा और कई बार ऐसा होता है कि वो ये काम कभी नहीं कर पाती। इसको कहते हैं HPTA डैमेज। यदि आपका HPTA डैमेज हो जाता है तो फिर आपका टेस्टिकल सही भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो ये जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा था आपको, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो आप इसको एजुकेशन पर्पज़ से समझो और क्या आपको सही करना है, क्या आपको करना है, इसके लिए आपको एक ट्रेनर की मदद की ज़रूरत होती है। गैस, ये कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है जो आपने अपने तरीके से लेना चालू कर दिया। यदि किसी को नॉलेज है तो आप उसके नॉलेज की हेल्प लो, ठीक है। आप खुद से सब चीज़ें करने की कोशिश कभी मत करो, खिलवाड़ मत करो गैस, ठीक। आपको पता नहीं है इसके क्या क्या अंजाम हो सकते हैं। अब मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो मैं बात करूंगा कि कैसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं लोग इस वजह से, और इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा जो समस्या आती है कि इम्पोर्टेंट जो समस्या है ये, और एक जो दूसरी समस्या जो इससे ज़्यादा मतलब होती है, इम्पोर्टेंट तो कम होते हैं लेकिन जो इनफर्टाइल हो जाते हैं, जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम कैसे उससे बच सकते हो, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें ये आपको एक ट्रेनर ही बता पाएगा, और कोई ऐसे वैसा ट्रेनर नहीं बता पाएगा जिसको बहुत अच्छा नॉलेज है, सिर्फ वो बता सकता है कि आपको कैसे, आपके पास जो प्रॉब्लम्स हो गई आप उनसे कैसे बाहर निकल सकते हो। कई लोगों की मैंने पर्सनली हेल्प की है गैस, ठीक है। तो आप अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट मत करो ताकि आपको बाद में पछताना पड़े, तो आप समझो चीज़ों को कि कैसे होती है। एक कोई मुझसे कह रहा था, जब उसको ट्रेनर ने उसके बताया PCT करने के लिए, तो उसने 5000 IU एक ही बार में लेने को बताया था, 1 ml एक ही बार में उसने लिया और एक ही बार में इंजेक्ट कर लिया, जो कि बहुत ज़्यादा है 5000 IU, ठीक है, आपकी रिकवरी के लिए बहुत नुकसानदायक है। SCG एक्चुअली में लोगों को लगता है, लोग हल्के में लेते हैं SCG, यदि आप गलत तरीके से यूज़ करते हो ना, तो ये स्टेरॉइड से, ये टेस्टोस्टेरोन वगैरह के जो हार्मोन्स हैं उससे भी ज़्यादा आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। एक SCG डाइट का भी सिस्टम चला है, SCG डाइट क्या होती है मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल्स एक्सप्लेन करूँगा। SCG की बहुत सारी वीडियोस आएंगी क्योंकि अभी तक आ नहीं रही थी, तो आप लोग जानना चाहते थे कि SCG क्या होती है, तो अब वीडियो आई तो आती ही रहेंगी। तो इसके अलावा और भी वीडियोज़ बीच बीच में आती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि मैं SCG पर ही वीडियो बनाने वाला हूँ एक के बाद एक, ऐसा नहीं, आपको और भी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो इसलिए शेयर कीजिए इस वीडियोज़ को, लाइक कीजिए यदि आपको पसंद आई है वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया आपने तो आप कर सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा एक दूसरा चैनल भी है उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।